पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, हरियाणा की दिग्गज कांग्रेसी नेता गीता बुक्कल हमारे साथ मौजूद है। मैडम स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी धन्यवाद मैडम। जिस प्रकार से आज हाईटेक हुई हरियाणा विधानसभा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, नेवा ई विधान नेशनल लेवल पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है या प्रदेशों की विधानसभाएं हैं, उनको ई माध्यम से चलाने का। आज हरियाणा ई विधानसभा का मॉक सेशन था, मानसून सत्र शुरू होगा। मैं समझती हूँ इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी चीज़ें रेडीमेड इन्फॉर्मेशन एक ही क्लिक में हमें मिल जाती हैं, सभी राज्यों की, देश और दुनिया की इन्फॉर्मेशन, पूरा इंडेक्स या बुक्स मिल जाती हैं, प्रश्न हैं ये सभी। लेकिन इसके साथ साथ जो है, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि अभी या तो ट्रेनिंग लेंगे या इस पर वो नहीं कर सकते हैं, या कुछ ऐसे हमने प्रश्न उठाया कि ये हमारा कॉन्फिडेंशियल डाटा रहेगा, उसका मतलब किस तरह से ध्यान रखेंगे, या पासवर्ड के साथ अटेंडेंस होगी। मान लीजिए हम अपना पासवर्ड किसी को दे दें और हमारी सीट से कोई भी उसको ऑपरेट करता रहे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझती हूँ आज 21वीं सदी में, जहाँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने ITU की शुरुआत की थी, 21वीं सदी में हमें इसकी आवश्यकता भी है। और पेपरलेस होगा, हम समझते हैं इसको लेस पेपर, कम पेपर पे, क्योंकि अभी भी लोकसभा पूरी तरह से ई लोकसभा नहीं हुई है, तो अच्छी बात है, इसकी अच्छी शुरुआत हुई है, हम इसका स्वागत भी करते हैं। हम लोगों ने ट्रेनिंग भी ली और आगे भी प्रयास रहेगा कि इसको हम ट्रेनिंग लें। सारे क्वेश्चन आंसर हैं, एडजर्नमेंट मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन हैं, सारे हम इस पर देख पा रहे हैं। कुछ थोड़ी सी दिक्कतें थी जिसको हमने अभी जो मॉक सेशन था उसमें डिस्कस करने का काम किया है। मैम, डेटा चोरी होने की बात आपने उठाई, वो कहाँ तक आप उनसे संतुष्ट हुए जो जवाब मिला? देखिए, जो जवाब मिला उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये डेटा जो है, मान लीजिए हमने कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो हम इस पे लगातार डालते जा रहे हैं, क्योंकि ये ना केवल यहाँ के टैब जो इंस्टॉल्ड हैं उसके अलावा हमारा जो मोबाइल है या जो हमारे टैब्स हैं उनमें भी चलेगा। कोई इन्फॉर्मेशन हम जो डाल रहे हैं, मान लीजिए हमने उसको क्लिक करके लॉग इन या लॉग आउट हम उसको नहीं कर रहे हैं, तो हमने यही जानने का प्रयास किया कि किसके कंट्रोल में ये रहेगा। हरियाणा विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी के कंट्रोल में रहेगा, कौन नोडल डिपार्टमेंट है इसको देखेगा। लेकिन शुरुआत है, अच्छा प्रयास है और होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ में इसको पूरी तरह से पेपरलेस नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको टेबल्ड करने हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं, या बहुत सारे मुद्दे विधानसभा में आने के बाद ही चर्चा में आते हैं और वो टैब में ही खुलेंगे। तो आज ही विधानसभा की शुरुआत हुई है, अच्छी बात है, इसको किया जाना चाहिए। डेटा चोरी होने को लेकर स्पीकर साहब भी माने हैं कि साइबर अटैक जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर डेटा चोरी होने पर हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन को एक तरह उन्होंने समर्थन भी किया है इनडायरेक्टली। बिल्कुल, देखिए इस समय आपने देखा होगा जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में सिक्योरिटी के नाम पर हुआ, डेटा चोरी हुआ, या सभी को पता है कितनी ज़्यादा फ़ोन टैप और इन्फॉर्मेशन और सारी तरह के मामले थे। तो भाई यही बात है कि इसको सिक्योरिटी लॉक किस प्रकार से रहेगा, कौन नोडल डिपार्टमेंट रहेगा, किसका कंट्रोल रहेगा। उन्होंने कहा जैसे ही प्रश्न आएंगे आपके आंसर भी मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का और सबका आ जाएगा। तो ठीक है, समय बचाने के लिए या पढ़ने के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए, साथ ही साथ में जो उन्होंने ई लाइब्रेरी की बात कही है कि जो पुरानी प्रोसीडिंग्स हैं वो भी इसमें नज़र आएंगी। 21वीं सदी में इन सबकी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ में इस पर सिक्योरिटी कोर डेटा का जो बात कही है उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो माननीय सदस्य इसमें इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड कर रहा है तो उसका असेस, जैसे मैंने पूछा, किसके पास रहेगा। उन्होंने कहा ई विधानसभा के हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास रहेगा और जो डेटा उसमें लोड होगा वो अध्यक्ष जी के पास रहेगा। तो इसमें यह है कि माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, जो ज्ञानचंद गुप्ता जी ने वैसे अच्छी शुरुआत की है, हम स्वागत करते हैं, तो उनके पास असेस रहेगा सारी चीज़ों का, तो उनका भी इसमें समझती हूँ डबल रोड रहेगा। पर चलिए, मानसून सत्र से इसकी शुरुआत हुई है, दोनों तरीके से रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और ज़्यादा इसको बढ़ाया भी जाए, साथ ही साथ में पेपर वर्क भी रहना चाहिए। मैम, रामकुमार गौतम हो या शमशेर सिंह गोगी हो या इस उम्र के जो विधायक हैं, उन्होंने जो चिंता व्यक्त की उससे आप कितना सहमत हैं? ठीक है, हाँ, गोगी जी ने पहले भी कहा था, जिस दिन पासवर्ड बनाए जा रहे थे, ट्रेनिंग ली जा रही थी, वो कह रहे थे कि मेरी जो मेल है, मेरा बेटा कनाडा में है, वो देखता है, समय का फर्क होता है वहाँ पर और यहाँ पर, और वही मुझे इन्फॉर्म करता है। तो देखिए, अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो कुछ वो सीख भी जाएंगे, लेकिन उनकी समस्याएं ये भी जायज़ हैं, क्योंकि एक इलेक्टेड व्यक्ति के लिए कोई किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन तो कंपलसरी नहीं है, जबकि रामकुमार गौतम जी तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर उनको लगता है कि इस समय उनको जो है वो पेपर जो टेबल्ड किए जाते थे, जो हमें बिजनेस मिलता था, वो उसी प्रकार से मिले, तो उनकी बात को भी पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। मैडम, आखिरकार कुलदीप बिश्नोई BJP में चले गए, राज्यसभा चुनावों से इसकी शुरुआत हुई थी, राजनीतिक घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं?
देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम जो है चलता रहता है। राज्यसभा के चुनाव में शुरुआत की, फिर राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में उन्होंने वोट के खिलाफ दिया, शायद पहले मन बना चुके थे। आज हमारे बहुत सारे सीनियर साथी जो हैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ राजनीतिक तौर पर आना और जाना लगा रहता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएँ और पार्टी को आप क्या दे पाते हैं उस पर भी आपको चिंतन मंथन करना चाहिए। विधानसभा में आप कौन कौन से अहम इश्यूज उठाने जा रहे हैं? देखिए, विधानसभा में सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति प्रदेश में हुई है, रोजगार के साधन कम हुए हैं, व्यापारी जो हैं पलायन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बेरोजगारी में नंबर एक पे हरियाणा पहुंच गया है, ये भी तमाम मुद्दे हैं विशेष तौर से हमने लगाए हैं। किसानों के साथ जो स्थिति खराब हुई है ज़्यादा बारिश की वजह से, न केवल खेतों में, घरों में, गाँव में, शहरों में, सारी की सारी स्थिति जो है वो खराब हुई है। ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं हमारे क्षेत्र में, खास तौर से रोड्स की जो बद से बदतर हालत है, बार बार केवल और केवल हमें आश्वासन मिला है वो मुद्दा उठा रही हूँ। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, मैं धन्यवाद करती हूँ, वो मेरा एक्सेप्ट हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो कि 1882 में एस्टेब्लिश हुई थी, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर में सिचुएटेड थी, 1956 में जो कि चंडीगढ़ में बनी, हमारे हरियाणा के बच्चों को उसमें ना एडमिशन्स मिलता है ना उसमें हमारा कोई शेयर है, तो उसको लेकर मैंने एक प्राइवेट मेंबर भी लगाया है जो कि एक्सेप्ट हुआ है। उस पर भी चर्चा होगी कि हम किस प्रकार से पंजाब यूनिवर्सिटी में अपने हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के कॉलेजेस को एफिलेट करवा सकते हैं। आखिरी सवाल शिक्षा और चिकित्सा को लेकर, क्योंकि आपके पास ये मंत्रालय रहे हैं, आपके जहन में क्या मुद्दे हैं? देखिए, शिक्षा बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कोरोना में हमारे शिक्षा प्रणाली में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आईं, टैब देने की बात हुई, अभी तक बुक्स मिली नहीं है, और सबसे बड़ी योजना जो चिराग योजना इन्होंने की है, सरकारी स्कूलों के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देंगे तो सरकार उसको रीइंबर्स करेगी, और अगर आप मॉडल संस्कृति स्कूल में एडमिशन लेंगे तो 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ये अजीब सी परंपरा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट 2009 है, उसमें आपको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, हर बच्चे को ड्रॉप आउट को कंट्रोल करते हुए आपको उनको स्कूलों में लेकर आना है। आप इनका पोर्टल उठा के देख लें, लाखों बच्चों ने सरकारी स्कूलों से नाम कटवा दिया है, ये बहुत ही बड़ी एक चिंता का विषय है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स बहुत ज्यादा है, उसमें प्रयास किया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी भर्ती की जानी चाहिए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज सरकार बना रही है, अच्छी बात है बना रही है केवल, लेकिन बिल्डिंग से मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे, उसमें डायरेक्टर्स की, प्रोफेसर्स की, टीचिंग स्टाफ की और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जो है उसमें होनी चाहिए असेस, और ताकि हम मेडिकल के MBBS MD की सीटें बढ़ा सकें, और हमारे बच्चे जो यूक्रेन, हजारों बच्चा वहां पर गया था, इस तरह की स्थिति ना आए, ज्यादा मेडिकल की सीटें भरें, और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़्यादातर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए और गंभीरता से इस पर प्रयास भी किए जाने चाहिए। धन्यवाद। तो ये गीता बुक्कल पूरा मंत्री है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, इनका कहना है कि जिस प्रकार से हाईटेक विधानसभा की ये नई संदेह जो है यहाँ पर इस वक्त जो परिस्थितियाँ हैं वो सीखने के साथ ही ठीक होंगी, क्योंकि राम कुमार गौतम जैसे जो बुजुर्ग विधायक हैं, अगर उन्होंने कोई प्रश्न उठाया, उनका प्रश्न सीधा सा था कि इस उम्र में वो कैसे ये चीज़ें कंप्यूटर पर आधारित सीख सकते हैं, पेपर टेबल होने चाहिए। इस बात को लेकर उनका कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और निसंदेह राम कुमार गौतम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, खुद सुशिक्षित हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने इस प्रयास की सराहना भी खुले मन से की है। कैमरामैन संजय व सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।